मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो इसका स्थापना दिवस है, हम 37वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, 36 साल से हम बहुजन समाज की सेवा करता आ रहा है ये संगठन, और 37वें साल का आज स्थापना दिवस है इसका, आज 37वां हम कार्यक्रम अगले उसमें आने जा रहे हैं, तो उसी विषय को लेकर और मनुस्मृति जो आज समाज के अंदर भ्रम पैदा कर कर मनुवादी लोगों ने दलित समाज के लोगों के साथ, बाबा साहब के लोगों के साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा, आज मनुस्मृति का भी दहन किया जाएगा। मनुस्मृति का दहन किया जाएगा, लेकिन आज भारतीय संविधान के तहत कहा जाता है कि आज संविधान खतरे के अंदर है। ये बात बिल्कुल सच है, कुछ लोग ऐसे चुनकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिनकी पूरी तरह से भावना ये है कि हम किसी भी तरह से दलित वर्ग को पीछे की तरफ धकेल दें, जो आरक्षण की नीति बाबा साहब ने दलितों को इस देश के उत्थान के लिए बनाई थी उसको ये मिटाने पर पुरजोर कोशिश किए हुए हैं। ये कोई ना कोई चाल ऐसी है, सियासत चलते रहते हैं जिसकी वजह से आज संविधान में आरक्षण को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन मायावती जी का शासन था उस समय राज्यसभा के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नौकरियों में रिजर्वेशन पास करा लिया था, लेकिन 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इस जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे लागू नहीं करा पाए, क्या कारण रहा इनका? कारण वही है, मानसिकता वही है, किसी भी पार्टी के लोग हों चाहे, लेकिन मानसिकता बदल नहीं रही है, उन्हें ये नहीं बिल्कुल भी पसंद आ रहा कि दलित तो लोग जो आजकल सफाई पेशे से निकल कर चमड़े के काम से निकल कर मजदूरी पेशे से उसका उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन का अधिकार हमें जो मिला हुआ है, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया हुआ है वो उनकी मजबूरी हो रही है देना, और उससे लग रहा है कि वर्ग आज तरक्की कर रहा है, हमारे समान आने जा रहा है, तो इन लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ हैं और ये उनको पूरी तरह से धकेलना वापस चाहते हैं। योजना रहेगी आप इस संगठन के माध्यम से, आप युवाओं को क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय बहुजन समाज के नंद किशोर चौटाला जी खड़े हैं, हम इनके नेतृत्व में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि चौटाला साहब जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को लेकर, हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के किसी मिशन को नहीं रुकने देंगे।